नमस्कार। आपका अपना चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत है। मैं प्रमोद आज आपको बर्बरिश इंच के बारे में बताऊंगा कि बर्बरिश इंच क्या होता है और यह किस तरह से हमारे शरीर में फैलता है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्रिय दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि बर्बरी सींच क्या है। बार्बरिक माने तो आप शायद समझते हैं, जो बाल कटता है बनाता है उसको हम बार्बरी कहते हैं, और इंच यानी कि खुजली, यानी कि बाल काटने के वजह से अगर हमें खुजली उत्पन्न होता है तो उसे हम बार्बरी सींच कहते हैं। जैसे हम दाढ़ी सेविंग कराने गए और दाढ़ी सेविंग कराने के बाद में हमें लगा कि मेरे दाढ़ी में क्या होगा कि बहुत मैंने इचिंग होने लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि बार्बरी इंच। तो बार्बरी इंच तो दोस्तों आप समझ गए। और मैं आपको बता दूँ कि आखिर यह होता कैसे है, बार्बरी इंच हमारे शरीर में होता कैसे और किस तरह से फैलता है। तो मान लीजिए कि हम सभी अपना सेविंग कराने के लिए कहीं ना कहीं किसी सैलून में जाते हैं और जो नाई है बार्बरिक है वो अपने उस्तरे से सेविंग करता है, ब्लेड तो बदलता है लेकिन उसका उस्तरा जो है एक ही रहता है। तो क्या होता है कि इसमें इस तरह से सेविंग करते करते उसमें उस्तरे में डस्ट जमता रहता है, और जब बहुत मात्रा में डस्ट जम जाता है तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और वही कीड़ा अगर हम कहीं जाते हैं सेविंग कराने के लिए तो ब्लेड तो बर्बरिक बदलता है लेकिन उस्तरा वही रह जाता है। तो जब अगर हम जाते हैं सेविंग कराने के लिए तो ब्लेड बदल करके ब्लेड लगा करके उस्तरा करता है, अगर दाढ़ी सेविंग करते समय अगर कहीं कट गया या नहीं कटा तो भी रोम पोखों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वही आगे चल करके खुजली पैदा करते हैं, एडचिंग पैदा करते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि बार्बरिक इंच क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी सैलून चलाने वाले भाइयों से मैं यही कहूँगा कि आप ज़रा दिन भर सेविंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम शाम को जब जाते हैं तो अपने उस्तरे को घर पे ले जाइए और उसको गर्म पानी में डाल करके अच्छे से सफाई कर लें और फिर सुबह में उसका प्रयोग करें। तो आगे से ऐसा उसमें डस्ट जमेगा, ना कीड़े पैदा होंगे, ना फिर किसी को बर्बरिक इंच पैदा होगा। तो अब मैं आपको बता दूँ कुछ इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है यह सिम्टम के अनुसार काम करता है। अगर हम बता रहे हैं, मान लीजिए हमारे समझ से, हमारे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें 5 मेडिसिन है जो बहुत बेस्ट है बर्बरिक के लिए, लेकिन अगर आप में वो सिम्टम नहीं मिलता है तो यह काम नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बेस्ट दवा है टिलुरियम। इसका 6 शक्ति पाउडर ले लीजिए और 3 घंटा अंतराल देकर के दिन भर में 4 बार 3 बूंद टोंग पर लेंगे। और इसका सिम्टम होना चाहिए, टेलुरियम का जो दाद है वह सिक्के की तरह चकते की चकती होता है। अगर वैसे सिम्टम आप में है तो आप टेलुरियम लेकर के केवल ठीक हो जाइएगा। दूसरा है रस्टक्स। अगर इंचिंग या आपके दाढ़ में पिंपल रेड कलर निकलता है और बहुत उसमें इटचिंग होती है तो आप वनली रस्टक्स के लेकर ठीक हो जाएगा। इसका 30 शक्ति, और दोस्तों इसको 3 घंटा अंतराल देकर के दिन में 4 बार लेना है, इस तरह से आप ठीक हो जाइएगा। तीसरा दवा है ग्रेफाइटिस भी 30 पावर में। अगर ऐसा लगे कि छाजन की तरह हो गया है और इसमें से गाढ़ा मवाद की तरह निकल रहा है तो आप
ग्रेफाइटिस 30 सुबह दोपहर शाम, तीन तीन बूंद की मात्रा में तीन बूंद लीजिएगा और आप ठीक हो जाइएगा। और चौथा दवा रहा हीपर सल्फर, हीपर सल्फर में भी यही है, रेड कलर का पिंपल निकलेगा और उसमें इचिंग ज़्यादा होगा और उसमें भी गाढ़ा मवाद निकलेगा, तो आप हीपर सल्फर का प्रयोग कीजिएगा। पांचवा दवा है कलकरिया का, अगर इस तरह से ऐसा लगे कि देखने में तो लगेगा कि कुछ है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा इचिंग होगा या थोड़ा बहुत लाली आपके डांट पर होगा, उस समय आप कलकरिया कार प्रयोग करेंगे तो बारबरी की ठीक होगा। एक दवा है वैसेलिनम, वैसेलिनम सप्ताह में मात्र एक बार 200 पावर में सुबह तीन बूंद की मात्रा में ले लेंगे एक सप्ताह में। तो इस तरह से आप करीब 20 से 30 रोज इसका प्रयोग करेंगे तो आप बारबरी सींच से मुक्त तो हो जाएंगे। दोस्तों मैं तो ये नहीं जानता कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी वीडियो पहुंचाने का हरसक प्रयास करता हूं कि ताकि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आपको सचमुच मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।